आपने खुद ही बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जो ओवरऑल जे एंड के यूटी में इस वक्त जो हमारे ऑलमोस्ट 3300 के करीब जो स्कीम उस पर काम चल रहा है उसमें शदमत से काम जारी है इन ऑल एरियाज़ ऑफ यूटी। तो कुलगाम में जैसे आपको पता है कि 116 के करीब हमारे स्कीमें हैं, जिसमें से 90 स्कीमें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 60,000 के करीब जो हमारे FSDCs में से ऑलमोस्ट 83% हम 82% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी जो हमारे FSDCs 18% है या 17% है वो एरियाज़ हैं जो बड़े डिफिकल्ट हैं, जहाँ ज़्यादा चैलेंजेस थे। जैसे हाकवास का एरिया आपको याद होगा, इसी तरीके से आज जहाँ यहाँ हम जो है जहाँ पे बनीमला गुजर बस्ती के लिए अभी स्कीम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी सारी इंजीनियरिंग टीम उस पर वर्कआउट कर रही है। तो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट एरियाज़ के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस हमें शुरू शुरू में रहे, तो लेकिन हमारी इंजीनियरिंग टीमों ने काफ़ी मेहनत से काम किया, और मुझे लगता है कि इस वक्त हर जगह जो है ऑलमोस्ट काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। नो डाउट हमारे पास चूंकि टाइम विंटर की वजह से अभी अब कम बचा है, तो आज का यही मुद्दा मकसद था टू सी कि कहीं जहाँ जहाँ पे काम एक्सपेडाइट कराना है, जहाँ पे कहीं एक्स्ट्रा लेबर लगानी है, या कहीं कोई और इशू है, तो हमारे सारे हमारे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स हमारे साथ हैं या एग्जाम साहब हैं, तो हम यही मशवरा करना चाहते हैं कि ये इन चीज़ों को जो है काम को कैसे एक्सपेडाइट किया जाए, उसको कैसे जल्द अज जल्द जो है टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हम कर पाएंगे, ताकि बाकी पूरी यूटी के साथ 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 जो है वो कुलगाम के और यहाँ डीएचपुरा के लोगों को भी शुद्ध और साफ मैनी मिले, और वो भी जो है 55 LPCVD के हिसाब से।